वादा करती हूँ। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 लोकसभा चुनाव, हम तमाम तस्वीरें लगातार आप तक अपडेट कर रहे हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर तमाम प्रत्याशी दमखम झोंक रहे हैं। देखिए, उसमें से शिवघर लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट है, जहां एक तरफ रितु जायसवाल हैं, दूसरे तरफ लवली आनंद। देखिए, रितु जायसवाल को लेकर शिवघर में खूब नारे लग रहे हैं, नारा जीत का। मगर उसी बीच रितु जायसवाल लोगों के बीच पहुंची, आशीर्वाद तो लिया ही, साथ ही साथ इस बात की गारंटी भी जनता को देते नजर आ रही हैं कि अगर वह जीतती हैं तो शिवघर लोकसभा क्षेत्र पूरे विश्व में जाना जाएगा। मुखिया रहते हुए भी, बतौर मुखिया रहते हुए जिस तरीके से रितु जायसवाल ने काम किया, आज भी लोग उनकी कामों की तारीफ करते हैं। रितु जायसवाल कह रही थी कि शिवघर लोकसभा क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाना है, अगर आप लोग साथ नहीं देंगे फिर परिस्थितियां बद से बदतर हो जाएगी, देर शाम आप लोगों को कमीशन देना होगा। देखिए, आखिर किसे कमीशन देना पड़ेगा शिवघर की जनता को अगर रितु जायसवाल को मत नहीं देते हैं तो? तमाम बातें रितु जायसवाल बता रही हैं, जनता के बीच खूब गर्जी हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, आग्रह कर रही हैं और कहते नजर आ रही हैं कि एक मौका दीजिए, शिवघर लोकसभा क्षेत्र को बदलूंगी और ऐसा विकास का रफ्तार होगा पूरे विश्व में चर्चा होगी। सबसे पहले आप रितु जायसवाल को सुनिए कि आखिर रितु जायसवाल ऐसा क्यों कह रही हैं कि अगर वोट नहीं किया, अगर अपने मत को, मत का सही उपयोग नहीं किया तो फिर अपराध बढ़ेगा। सबसे पहले आप रितु जायसवाल को सुनिए। तो आपने सुना, रितु जायसवाल को स्पष्ट रूप से लोगों से कहते नजर आ रही हैं कि देखिए, अगर रितु जायसवाल पर विश्वास करते हैं और अगर आप विश्वास करेंगे, अपना मत देंगे तो विकास का काम करूंगी। बिहार में 40 लोकसभा सीट है और उसमें से शिवघर लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है। ऐसे में रितु जायसवाल हर गांव, हर कस्बे, हर प्रखंड जा रही हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रही हैं। साफ तौर पर कहा कि देखिए, दिल्ली से बिहार का सफ़र कैसे तय किया, क्या विजन था, पति एक अच्छे IAS अधिकारी, वहीं रितु जायसवाल भी दिल्ली में थी, मगर अचानक रितु जायसवाल को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने तमाम चीज़ों को छोड़कर बिहार आई और उसके बाद एक विजन के तहत काम करते हुए लोगों के दिलों में उतरी। और इस बार राजद ने शिवघर लोकसभा से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। देखिए, जिस तरीके से रितु जायसवाल लोगों के बीच जा रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं, एक जयकारा भी लग रहा है, रितु जायसवाल के नाम का जयकारा, रितु जायसवाल जीतेगी, ये तमाम जयकारे जो हैं वो जनता लगा रही है। देखिए, लड़ाई तो काफ़ी दिलचस्प है, मगर इतना तो ज़रूर है कि रितु जायसवाल जिस तरीके से सक्रिय है शिवघर लोकसभा क्षेत्र में, तमाम जाति, तमाम वर्ग का
साथ मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और तस्वीरें अगर आप देखें तो रितु जायसवाल को लोग सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं, रितु जायसवाल के लिए लोग खड़े हैं, रितु जायसवाल को जीत का माला पहनाया जा रहा है। हालांकि मतदान होना है, लोग अपना मत किसे देंगे वह तो शिवघर की जनता को ही फैसला लेना है कि आखिर वो किसे शिवघर लोकसभा क्षेत्र का सांसद अपना आवाज़ बुलंद करने वाला चुनेंगे। मगर रितु जायसवाल जिस तरीके से सक्रिय हैं, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है, माहौल बदला है। रितु जायसवाल स्पष्ट रूप से यह भी कहते नजर आ रही हैं कि इस बार मुद्दे की बात होगी, बात होगी शिवघर लोकसभा क्षेत्र में विकास की, लोगों के हित में कार्य करूंगी, विश्व में जाना जाएगा शिवघर लोकसभा क्षेत्र तो विकास और बदलाव के लिए। मगर अगर आप साथ नहीं देते हैं, तस्वीरें बहुत ही भयावह होगी, तस्वीरें यहां तक बदलेगी कि अपराध चरम पर होगा, देर शाम आप डरेंगे। ये तमाम बातें रितु जायसवाल कह रही हैं कि महाजंगल राज आ जाएगा, फिर आपको कमीशन देना होगा, अगर आप व्यापारी हैं तो आपको पैसा देना होगा, अगर आपको व्यापार को चलाना है शिवघर लोकसभा क्षेत्र में, आपको काम करना है, आपको रोजगार को संचालित करना है तो आपको कमीशन देना होगा। देखिए, डराया जाएगा, अपराध चरम पर होगा और फिर आप कहेंगे कि महाजंगल राज आ गया, फिर पछतावा भी होगा, मगर बहुत देर हो गई होगी, अब भी वक्त है, आप लोग जागिए, एक साथ आइए। तमाम भाषण में रितु जायसवाल कह रही हैं, लोग रितु जायसवाल को सुन रहे हैं, रितु जायसवाल के नाम का नारा लगा रहे हैं और रितु जायसवाल दिन रात एक कर जनता से आशीर्वाद मांग रही हैं। खैर, रितु जायसवाल जनता के बीच काफ़ी सक्रिय हैं और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से हम आपको अपडेट कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।